हैरानी परेशानी में बदली। गिनती कहां तक पहुंची हम आपको बताएं, हम ज्यादा हैं दोबारा गिनो। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर ने इजाजत दे दी, मगर कुछ ही देर बाद हैवान अखाड़ा बन गया। आमिर लियाकत हुसैन और मुर्तजा जावेद अब्बासी के दरमियान हाथापाई होते होते रह गई। अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, डाइस की तरफ उछाल दी। ऐसे में असद कैसर को गुस्सा आया, उन्होंने डांट पिलाई। अब जल्दी जल्दी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन लेके आए, किसी का ना सुने भाई, किसी का ना सुने, अपना काउंट करके आ जाओ भाई। हुकूमत के वोट ज्यादा और हिजब इख्तलाफ के कम, ये बात आसानी से ना हुई ओपोजिशन को हजम। दोबारा गिनती का मुतालिबा माना गया। आपने किसी की नहीं सुनना, अपना काम करे, काउंट करके आ जाओ। पीपल्स पार्टी के मुर्तजा जावेद अब्बासी हुकूमती अरकान को चुन चुन कर गिन रहे थे कि इतने में आमिर लियाकत से सामना हो गया। मुराद सईद दरमियान में ना होते तो हाथापाई हो जाती। हुकूमत के बुजुर्गों ने हाथापाई की कोशिश की, गली जबान इस्तेमाल की, वज़ीर आज़म भी सुन रहा था, उनके सीनियर वज़रा भी सुन रहे थे, उस वजह से थोड़ा सा गर्मी सर्दी तो पीछे हट गया। मैंने उसे कहा ये कराची नहीं है, ठीक है ये इस्लामाबाद है, तो मेहरबानी करो खैर खैरियत से तुम चले जाओ। तो दाल ना गली तो अपोजिशन वाले स्पीकर की ढाई तक पहुँच गए, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर ऐसे उछाली। असद कैसर को मुर्तजा जावेद अब्बासी पर शुबा हुआ। ये निकाल किसने किया है? देखो आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं ना, ये आपके अखलाकियात हैं। बिलावल को बात करने का मौका न मिलने पर कादिर खान मंदुखेल भी स्पीकर से उलझ पड़े। तरीके से बात करो, तरीके से मैं निकालता हूँ आपको यहाँ से। आप अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे, मैं आपको सस्पेंड करता हूँ, वार्निंग कर देता आपको। कभी पर्चे कभी नाजेबा अल्फाज, असद कैसर ने कतार में खड़े कर दिए अपने अतराफ गार्ड्स।